तो अभी तक दोस्तों 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 12 ओवर में 33 रन 8 विकेट के नुकसान पे लगातार जो है स्कोर श्रीलंका टीम का बना रहेगा। और बल्लेबाजी के लिए दोस्तों आ चुकी हैं यहाँ पर इनोका राणा वीरा, नाम बहुत ही अटपटा है दोस्तों, तो बार बार नाम लेने में यहाँ पर थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है, तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पर नाम जो है वो नहीं ले पाऊँगा, उसके लिए माफ़ कीजिए। यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं श्रीलंका के नौवें बल्लेबाज, जी हाँ दोस्तों नौवें बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। अभी तक 8 विकेट गिर चुके हैं, 33 रन का स्कोर हो जाएगा। स्नेहा राणा लेकर के आएंगी लगातार अपना तीसरा ओवर, दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज स्नेहा राणा अभी तक 1 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं, तीसरा ओवर लगातार जारी रखेंगी। और लगातार यहां पर सिंगल आता हुआ एक और चौथी बॉल पर बाएं हाथ की बल्लेबाज जो कि प्रॉपर श्रीलंका की गेंदबाजी के रूप में जानी जाती हैं इनोका, बल्लेबाजी का कोई रिकॉर्ड खास रहा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 85 रन T20 करियर में अभी तक बनाए हैं उन्होंने, तो इस लिहाज से कहा जाए बल्लेबाजी का कोई अनुभव रहा नहीं है अभी तक। स्नेहा राणा लगातार जारी रखेंगे अराउंड द विकेट, और बल्लेबाज कूद करके यहाँ पर उठा करके दे मारा है, फील्डर वहाँ पर मौजूद रहेंगी तब तक फील्डर उस बॉल को यहाँ पर थ्रो कर पाते, एक और रन बढ़ जाएगा, इसी के चलते 34 रन स्कोर हो जाएगा श्रीलंका टीम का 8 विकेट के नुकसान पे। यहाँ से 7 ओवर का खेल अभी भी बाकी रहने वाला है दोस्तों, 7 ओवर का खेल बाकी रहने वाला है। स्नेहा राणा यहाँ पर दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज लेकर के चलेंगी अपने ओवर की आखिरी बॉल, तीसरे ओवर की आखिरी बॉल लेकर के चलेंगी। सामने रहने वाली हैं दोस्तों सुगंधिका, बल्लेबाजी का नाम माफ कीजिए यहाँ पर बल्लेबाज का नाम है सुगंधिका कुमारी, नाम इंडियन है इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अटपेटे नाम आप कह सकते हैं कि होते हैं, तो नाम जो है लेना काफ़ी आसान होता नहीं है श्रीलंकाई बल्लेबाजों का, चाहे वो मेंस हों या फिर वो वुमेन्स के खिलाड़ी हों। मेरा भारत मान, आप भारत मान आज के दिन जरूर कह सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पुरुषों की बात कर लेते हैं विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जो कि एशिया कप अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीना पहले इंडिया की टीम एशिया कप से बाहर हो चुकी है। और किस टीम से हारी थी, बाहर हुई थी, श्रीलंका से ही हारी थी लास्ट मैच और फिर बाहर हुई थी, तो यहाँ पर महिला क्रिकेट टीम ने यहाँ पर कहीं ना कहीं बदला ले लिया है और जो एशिया कप है उसको भी भारत लाने का जो सपना था इस साल का, वो यहाँ पर महिला क्रिकेट टीम के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार इस मुकाबले में आप कह सकते हैं कि जीत जो है पक्की हो चुकी है टीम इंडिया की। राजेश्वरी गायकवाड़ लेकर के आ जाएंगी अपना चौथा ओवर, यहाँ पर अपनी स्पेल का चौथा ओवर लेकर के आ जाएंगी, अभी तक 14 ही रन खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ, और 2 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। लगातार पहली बॉल पर सिंगल आता हुआ बल्लेबाज दोनों स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आए हैं। सुगंधिका कुमारी अभी तक 14 बॉलें सामने कर चुकी हैं और 3 रन ही बनाए हैं दोस्तों। तीसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी राजेश्वरी गायकवाड़, सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज यहाँ पे इनोका, इनोका रहेंगी सामने बाएं हाथ की बल्लेबाज, राउंड द विकेट जाएंगी और यहाँ पर कोई भी रन नहीं आएगा। हल्के हाथों से खेल करके बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं, मगर यहाँ पर जो इंडिया के फील्डर हैं वो काफ़ी पास पास लग चुके हैं कि सिंगल जो है उसको रोका जाए, तो विकेट अपने आप दबाव में यहाँ पर मिलने वाला है। लगातार चौथी बॉल लेकर के तैयार रहने वाली हैं राजेश्वरी गायकवाड़, अपना स्पेल का यहाँ पर चौथा बॉल लेकर के चलेंगी, आखिरी ओवर डालती हूँ अपनी स्पेल का और एक सिंगल और आ जाएगा, इसी सिंगल के चलते लगातार 37 रन हो जाएगा दोस्तों स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद भी अभी दोस्तों 6 ओवर का खेल जो है वो बाकी रहने वाला है, 6 ओवर का खेल जो दोस्तों बाकी रह जाएगा। लगातार यहाँ पर राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट अभी तक अपने नाम किए हैं, एक और सिंगल आ जाएगा, इसी सिंगल के चलते 38 रन स्कोर हो जाएगा। आखिरी गेंद लेकर के तैयार रहेंगी, राउंड द विकेट जाएंगी और गेंदबाजी में यहाँ पर अभी तक
टीम इंडिया की ओर से दोस्तों जो गेंदबाज हैं उनका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ और सिर्फ चार, जी हाँ दोस्तों चार ही गेंदबाजों का इस्तेमाल अभी तक किया जा चुका है। दीप्ति शर्मा अपने चार ओवर कंप्लीट कर चुकी हैं 7 रन दे करके, कोई भी विकेट आज हालांकि अपने नाम नहीं किया है लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर जो है इस टूर्नामेंट में दीप्ति शर्मा बन चुकी हैं, 12 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं अभी तक जितने भी पिछले मुकाबले हुए हैं अभी तक। और रेणुका सिंह ठाकुर यहाँ पर बेहतरीन यॉर्कर बॉलिंग उनकी तरफ से लगातार नजर आई है, 3 ओवर में अभी तक 5 रन दे करके 3 विकेट अभी तक उन्होंने अपने नाम किए हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ 4 ओवर में यहाँ पर अभी तक 2 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, 16 रन खर्च किए हैं। स्नेहा राणा ने 1 विकेट अपने नाम किया है अभी तक। और अब गेंदबाजी के लिए दोस्तों हेमलता को लाया गया है, गेंदबाजी के लिए टीम इंडिया की तरफ से हेमलता को लाया गया है। सामने रहेंगी सुगंधिका दोस्तों, सुगंधिका कुमारी श्रीलंकाई बैट्समैन सुगंधिका कुमारी रहने वाले हैं। और आज के दिन दोस्तों जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में नज़र आए हैं बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जी हाँ दोस्तों टीम इंडिया के काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फैंस पहुँचे हैं भारी तादाद में। फाइनल मुकाबला है और एशिया कप जीत जाए टीम इंडिया इसी आज से पहुँचे हैं, और टीम इंडिया आज के इस मुकाबले में जो है वो आपको जीतती हुई जरूर से नज़र आने वाली है। फ्री फायर तभी भी बोल दो ब्रो, नहीं भैया फ्री फायर नहीं खेलते हैं। तो आप लोगों का प्रिडिक्शन वो है वो बिल्कुल सही नजर होता हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 40 रन अभी तक बनाए हैं, 50 रन पर ऑल आउट होने को जरूर से देखेगी टीम इंडिया, अपने प्रमुख गेंदबाजों को लगातार यहाँ पर पूरे पूरे ओवर डलवा दिए हैं। रेणुका सिंह ठाकुर का अभी तक 1 ओवर बाकी रह जाएगा जो कि बेस्ट योर्कर बोल डालने के लिए जानी जाती हैं। हेमलता की यहाँ पर इस ओवर में अभी तक 2 रन ही आए हैं सिर्फ और सिर्फ, आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज हेमलता। और सामने रहने वाली हैं बल्लेबाजी के लिए दोस्तों सुगंधिका, दोस्तों सुगंधिका कुमारी लगातार श्रीलंकाई बल्लेबाज लगातार आउट होते चले गए हैं, 40 रन स्कोर हो चुका है 15 ओवर के बाद में दोस्तों 8 विकेट के नुकसान पर। पहले गेंदबाजी करते हुए यहां पर दोस्तों इंडिया टीम ने 15 ओवर में 8 विकेट अपने नाम कर लिए हैं। श्रीलंका ने दोस्तों टॉस जरूर जीता था लेकिन यहां पर जीत पूरी तरह से हुई है टीम इंडिया की, 8 विकेट गिर चुके हैं, 2 विकेट यहां से और बाकी रह जाएंगे और 2 विकेट और अपने नाम कर लेते हैं तो टीम श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया जाएगा। और इसी के चलते जो 40 या 50 रन बन सकते हैं, 40 बन चुके हैं तो 50 और 60 रन का जो पूरा स्कोर होने वाला है दोस्तों पूरा स्कोर वो 7 और 8 ओवर में टीम इंडिया जो है आसानी से चेज करने वाली है। ध्यान पाटिल स्टेडियम, जी हाँ। तो आप लोगों की प्रेडिक्शन क्या रहेगी एक बार कमेंट में दोस्तों जरूर से है जो बता दीजिए, और लगातार आप लोग लाइक जरूर से करते जाइए, जितने भी मित्र हमारे देख रहे हैं लगातार लाइक करते जाएंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे, वहाँ पर एक लाल बटन का आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा दोस्तों, लाल कलर का वहाँ पर एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर से लिख दीजिए क्योंकि आज खुशी जो है वो इस बात की हो रही है दोस्तों कि जो महिला क्रिकेट टीम है वो एशिया कप को भारत लाने में कामयाब रहेंगे दोस्तों, जो टीम इंडिया के मेंस क्रिकेटर रहे थे उन्होंने ये काम नहीं कर पाया था और टीम इंडिया के जो वुमेन्स हैं उन्होंने ये काम करके दिखाया है। तो जय हिंद दोस्तों, कमेंट में जरूर से आप लोगों का लिखना बनता है। मैच फिक्स था नहीं, मैच फिक्स नहीं होता है, अगर मैच फिक्स पहले से ही किया जाए ये आईपीएल में हो सकता है लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं होता है, जितने भी वर्ल्ड कप और टूर्नामेंट करवाए जाते हैं
बड़े बड़े इंटरनेशनल स्तर पर उनमें मैच फिक्स नहीं किया जाता है भाई। स्नेहा राणा अपनी चौथे ओवर की चौथी गेंद लेकर के तैयार रहेंगी। अभी तक 43 रन बन चुका है 8 विकेट के नुकसान पर दोस्तों। 16वां ओवर लगातार चलता रहेगा और इसके बाद दोस्तों 4 ओवर का खेल और बाकी रह जाएगा। यहाँ से 4 ओवर का खेल और बाकी रह जाएगा। 16वां ओवर ये चलता हुआ नजर आ रहा है। 8 विकेट गिर चुके हैं अभी तक। यहाँ से अगर दोनों बल्लेबाज टिके रहते हैं और बल्लेबाजी अपनी जारी रखते हैं सिंगल डबल से, तो 60 रन आप सोच सकते हैं कि 60 रन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पर चौथी बॉल उठा करके खेल दिया, यहाँ पर हवा में गेंद चली जाएगी, काफ़ी ऊपर गेंद गई लेकिन वहाँ पर कोई फील्डर नहीं तैनात हुआ, इसीलिए यहाँ पर नो मैंस लैंड में गिर जाएगी गेंद। और यहाँ पर एक विकेट जो है वो मिलने का चांस था लेकिन विकेट वो नहीं मिल पाएगा। लगातार यहाँ पर स्कोर 43 रन बना रहेगा। अगली बॉल लेकर के तैयार रहेंगी स्नेहा राणा और सामने रहने वाली हैं सुगंधिका कुमारी। दोस्तों सुगंधिका कुमारी सामने रहने वाली हैं, आखिरी बॉल लेकर के तैयार हो जाएंगी स्नेहा राणा अपने इस पहल की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार रहने वाली हैं। सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज सुगंधिका कुमारी और ये बड़ा शॉट मारने का प्रयास, क्लीन बोल्ड। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर दूसरी सफलता मिल चुकी है आज के इस दिन की स्नेहा राणा को, दूसरी सफलता मिल चुकी है। बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया और बड़ा शॉट हवाई फायर करने के चक्कर में यहाँ पे बल्लेबाज सुगंधिका कुमारी अपनी विकेट गंवा जाएंगी। इसी के चलते 9 विकेट 43 रन पर गिर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अब 50 रन भी मुश्किल बनता हुआ नजर आ रहा है। टीम श्रीलंका जो है 16 ओवर के बाद में दोस्तों 43 रन 9 विकेट के नुकसान पर लगातार स्कोर बना रहने वाला है। अभी तक गेंदबाजों में दोस्तों 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, वो थी हेमलता। हेमलता ने अभी तक 1 ओवर डाला है और 2 रन ही दिए हैं सिर्फ। दीप्ति शर्मा अपना स्पेल कर चुके हैं दोस्तों, कोई भी विकेट आज उन्होंने नहीं लिया है, 7 रन ही खर्च किए हैं। और वहीं पर आज के इस दिन का रेणुका सिंह ठाकुर का सबसे बेस्ट यहाँ पर गेंदबाजी वो है नजर आई है, 5 रन देकर के 3 विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। 1 ओवर अभी भी उनका बाकी रह जाएगा तो देखना हुआ है। यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है वो लगातार यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को लाएंगी, यहाँ पर दाएं हाथ की जो कि तेज गेंदबाज हैं। और यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जी हाँ दोस्तों खुद आ गई हैं गेंदबाजी के लिए, गेंद उन्हीं के हाथ में है और गेंदबाजी करेंगी यहाँ पर अराउंड द विकेट। दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज हरमनप्रीत कौर, बल्लेबाज ने इसको खेल दिया है ऑफ साइड की ओर और सिंगल आ जाएगा जी। सिंगल के चलते 44 रन 9 विकेट के नुकसान पर हो जाएगा। लगातार यहाँ पर 17 ओवरों का खेल जारी रहेगा। 17वां ओवर की दूसरी गेंद लेकर के चलेंगी दोस्तों यहाँ पे। 17वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर के लगातार यहाँ पर तैयार रहने वाली हैं दोस्तों। माफ कीजिए, यहाँ पर हरमनप्रीत कौर नहीं, यहाँ पर जो आई हैं वो रहने वाली हैं हेमलता गेंदबाजी के लिए, दूसरा ओवर लेकर के आई हैं। तो यहाँ पर गलती हो जाती है, हॉट स्टार नेटवर्क से भी गलती होती है, नाम यहाँ पर पूरा का पूरा ये चेंज कर दिया है आपने, ऐसा कर कैसे कर सकते हो आप। लगातार यहाँ पर 3 डॉट बॉल्स आ चुकी हैं दोस्तों और 5वीं गेंद लगातार यहाँ पर फेंकने के लिए तैयार रहेंगी हेमलता। 17वें ओवर की 5वीं बॉल लेकर के तैयार रहेंगी और आखिरी बॉल पर यहाँ पर देखना है क्या होता है। एक सिंगल जोर आता हुआ 5वीं बॉल पर, इसी के साथ स्कोर बढ़कर के 45 रन हो जाएगा 9 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे 45 रन हो जाएगा, अंडर 50 ऑल आउट। हाँ, अंडर 50 तो ऑल आउट आपको फिक्स दिख रहा होगा दोस्तों। लगातार आप लोग लाइक कर दीजिए जिस भी मित्र ने लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। भैया मेरा नाम बोल दो। ओके राजेश राजवत भाई, आपका नाम बोल देंगे हम।
17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 45 रन 9 विकेट के नुकसान पे यहाँ पर लगातार स्कोर बना रहेगा श्रीलंका टीम का। दोस्तों यहाँ पर जो बल्लेबाजी की बात करी जाए, सिर्फ और सिर्फ एक विकेट रह जाएगा, लास्ट जोड़ी ये आपको नजर आ जाएगी श्रीलंकाई बल्लेबाजों की। और यहाँ से अभी भी दोस्तों बाकी रहने वाले हैं 3 ओवर, तो 3 ओवर यहाँ से पूरे खेल जाते हैं तो 10 और 15 रन का इजाफा और किया जा सकता है स्कोर में, नहीं तो यहाँ पर टीम श्रीलंका 50 रन तक ही ऑल आउट होती हुई नजर आ जाएगी आपको। और शेफाली वर्मा को लाया गया है जो कि ओपनर बल्लेबाज हैं और काफ़ी धांसू बल्लेबाज कही जाती हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, सबसे तेज जो स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है शेफाली वर्मा के बैट से रन निकले हैं सबसे तेज। पहली बॉल पे यहाँ पे कोई भी रन नहीं आएगा, दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। और यहाँ पर अंपायर का फैसला दोस्तों, अंपायर का फैसला दूसरी बॉल यहाँ पर वाइड बॉल का आ जाएगा, वाइड बॉल के चलते एक रन और जुड़ जाएगा, 47 रन का स्कोर हो जाएगा यहाँ पर। और लगातार क्रीज के बाहर दोस्तों बॉलिंग करती हुई नजर आ रही है शेफाली वर्मा, अभी तक एक वाइड आ चुकी है और यहाँ पर लगातार यहाँ पर दोस्तों दूसरी भी वाइड आ चुकी है, 3 गेंदें फेंक दी हैं जिसमें से 2 वाइड आ जाएंगी, दूसरी बॉल फेंकने के लिए तैयार रहेंगी, दूसरी बॉल जो है दोस्तों फेंकने के लिए वो लगातार यहाँ पर तैयार रहने वाली हैं अंपायर जो मेन अंपायर रहने वाली हैं दोस्तों शिवानी वर्मा, टीम इंडिया की है फिलहाल, काफ़ी दिन पहले संन्यास ले चुकी और शिवानी वर्मा यहाँ पर अंपायरी करती हुई नज़र आ रही हैं इस फाइनल मुकाबले में। दूसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाज यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क होते ही भाग खड़े हुए, जिसके की चलते एक रन और आ जाएगा, 48 के स्कोर पर पहुँच जाएंगे। और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे बाएं हाथ की बल्लेबाज इनोका स्ट्राइक पे पहुँच जाएंगी जो कि अभी तक 14 गेंदों का सामना कर चुकी हैं दोस्तों, 14 गेंदों का सामना कर चुकी हैं, तो यहाँ पे लगातार गेंदों का सामना करती रहेंगी शेफाली वर्मा अपनी, लगातार यहाँ पर चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। इनोका ने यहाँ पर हल्के हाथों से खेल करके एक रन और जुड़ जाएगा, तो लगातार यहाँ पे 50 की रन की ओर पहुँच रही है श्रीलंकाई टीम। आखिरी बॉल पे यहाँ पे लगातार सिंगल्स आ जाएगा और आखिरी बॉल अभी बाकी रह जाएगी दोस्तों, शेफाली वर्मा की आखिरी बॉल बाकी रह जाएगी और 50 रन 9 विकेट के नुकसान पर बोर्ड पर दर्ज हो जाएंगे दोस्तों। तो श्रीलंका ने यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए दोस्तों यहाँ पर 50 रन बना लिए हैं। 18 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 2 ओवर शेष रह जाएंगे, 2 ओवर में यहाँ से अगर दोनों बल्लेबाजी करते हैं तो 5-5 रन प्रति ओवर बना करके भी 10 रन बना सकते हैं। तो दोस्तों पहले सबसे पहले बात करेंगे कि जो विकेट गिरे हैं वो उस टीम श्रीलंका के कैसे गिरे हैं। पहला विकेट दोस्तों 8 के स्कोर पर गिर गया और दूसरा विकेट दोस्तों 9 के स्कोर पे और तीसरा विकेट लगातार 9 के स्कोर पे और चौथा विकेट दोस्तों लगातार 9 के स्कोर पे गिर गया है। तो टीम इंडिया की जो हैट्रिक हुई थी वो 9 रन के स्कोर पर दोस्तों चौथे ही ओवर में हो चुकी थी। और इसके बाद 5वां विकेट यहाँ पर लगातार 16 रन के स्कोर पर गिर गया, 6वां विकेट लगातार यहाँ पर 18 रन के स्कोर पर 6वां विकेट गिर गया और 7वां विकेट 25 रन के स्कोर पर और 8वां विकेट दोस्तों 32 रन के स्कोर पर और 9वां विकेट 43 रन के स्कोर पर गिर चुका है। लास्ट विकेट बचा है यहां से और टीम इंडिया यहां पर इस रन को जो है वो 10 ओवर से पहले चेज करना चाहेगी। तो आप आज के इस दिन दोस्तों जय हिंद जरूर से कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि जो टीम इंडिया है मेंस जो अपने प्रमुख खिलाड़ी मेंस रहे थे उन्होंने तो एशिया कप को भारत ला नहीं पाए, फाइनल तक ही नहीं पहुंचे, तो लाना तो दूर की बात छोड़ो, लेकिन महिला टीम ने जो है ये आज के दिन उपलब्धि हासिल करी है दोस्तों, हासिल करी। आप इसको इस मैच को यहीं से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो जीत है वो जरूर से यहाँ पर रहने वाली है टीम इंडिया की, आज के इस मुकाबले में दोस्तों जीत जो है वो रहने वाली है जरूर से।
भाई राम राम, बिल्कुल भाई राम राम, कैसे हो आप? तो लगातार आप लोग लाइक करते जाइए, जिस भी मित्र ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और लगातार यार 2000 सब्सक्राइबर के कंप्लीट के बहुत नजदीक हैं। मैं देख लेता हूँ कितने बाकी रह गए हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम सिर्फ 130 सब्सक्राइबर पीछे रह जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, 130 सब्सक्राइबर दूर रह जाएंगे, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। 2000 सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं आज के दिन हमारे, तो 2000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। 2000 आप लोग सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। जय हिंद, जय हिंद मेरे भाई। आज के दिन टीम इंडिया की बहुत सुंदर जीत होने वाली है, और लगातार 19 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, लास्ट ओवर में दोस्तों आ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 4 रन, और यहाँ पर इसी के साथ 54 रन बना चुकी है श्रीलंका की टीम 9 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ पर लास्ट ओवर लेकर के आ जाएंगी। लास्ट ओवर यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के हाथ में गेंद पहुंच चुकी है, और देखते हैं लास्ट जो ओवर है वो किसके हाथ में पहुंचाने वाला है। यहाँ पर शेफाली वर्मा को दिया जा रहा है ओवर, शेफाली वर्मा अपना दूसरा ओवर लेकर के आएंगी लगातार यहाँ पर, और या फिर रेणुका सिंह ठाकुर भी अभी एक ओवर बाकी रह जाएगा उनका, उनको भी देना चाहिए था। अभी तक 2 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं, तो काफी बढ़िया अभी तक बॉलिंग रही है रेणुका सिंह ठाकुर को। अभी तक दोस्तों 3 विकेट मिल चुके हैं, तो अगर लास्ट ओवर में एक और विकेट उनको मिल जाता है तो आज के दिन का उनका ये चौथा विकेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शेफाली वर्मा को ओवर दे दिया गया है, शेफाली वर्मा ने अभी तक एक ही ओवर डाला था और 6 रन खर्च किए थे। लेकिन यहाँ पर लगातार यहाँ पर हरमनप्रीत कौर शेफाली वर्मा को ओवर देती हुई नजर आई है। पहली बॉल पर दोनों बल्लेबाज हल्के हाथों से खेल करके सिंगल ले लेंगे, और इसी सिंगल के चलते 55 रन स्कोर हो जाएगा लगातार बढ़ करके। बल्लेबाज लगातार आगे बढ़ करके बॉल को खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि जितने रन हैं वो बोर्ड पर दर्ज किए जाएं अभी के टाइम पे। कहाँ से हो आप बताओ? जीत सिंह, मैं दिल्ली से हूँ भाई, आप बताएं कैसे हैं, कहाँ से हैं आप? और लाइक जरूर से करते जाइए दोस्तों, 1000 लाइक के बहुत क्लोज हैं, और 2000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करवाने हैं आज के दिन, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर की कमी रह जाएगी यहाँ से दोस्तों, 100 सब्सक्राइबर की कमी रह जाएगी यहाँ से। आप लोग 100 सब्सक्राइबर और कोई मित्र जल्दी जल्दी से कर देंगे तो हो जाएंगे आज के दिन हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। लगातार यहाँ पर तीसरी बॉल पर एक सिंगल और आ जाएगा इसी, और स्कोर बढ़ करके दोस्तों यहाँ पर होने वाला है 56 रन दोस्तों, 56 रन स्कोर हो जाएगा। चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी यहाँ पे दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज शेफाली वर्मा, और बल्लेबाज यहाँ पर आगे निकल करके दोस्तों कदमों का इस्तेमाल कर करके लगातार बाएं हाथ के बल्लेबाज इनोका, इनोका यहाँ पर लगातार यहाँ पर बल्ले का जो वो है वो मुंह घुमाती हुई नजर आ रही है, और फिर से उठा करके दे मारा है, वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन को टच कर जाएगी, इसी के चलते यहाँ पर 60 रन स्कोर हो जाएगा 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल अभी बाकी रह जाएगी दोस्तों, आखिरी बॉल शेफाली वर्मा की यहाँ पे लगातार बाकी रहेगी, और 60 रन जो है वो बोर्ड पर दर्ज कर दिया जा चुका है, और आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी शेफाली वर्मा अपने ओवर की, और यहाँ पर अंपायर का फैसला रहेगा वाइट बॉल, यहाँ पर काफी ज्यादा बाहर डाल दी है, बल्लेबाज से जितना होगा दूर रखेंगे जी, क्योंकि बल्लेबाज लगातार कदमों का इस्तेमाल कर रहा है, अगर यहाँ पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ तो विकेट कीपर के हाथ में बॉल चली जाएगी और रन आउट के रूप में यहाँ पर स्टंप हो जाएंगे बल्लेबाज। अगली बॉल लेकर के तैयार, आखिरी बॉल यहाँ पर फिर से उठा करके दे मारा है, और 4 रन एक और आ जाएगा, इसी के चलते 65 रन यहाँ पर 20 ओवर में बना चुकी है, 9 विकेट ही गंवाए हैं यहाँ पर श्रीलंका ने, 9 विकेट के चलते यहाँ पर
65 रन यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। लगातार 20 ओवर का खेल जो है समाप्त हो चुका है, 20 ओवर का दोस्तों खेल समाप्त हो चुका है और लगातार कदमों का इस्तेमाल और सीधे बैट से खेला गया शॉट। दो दो फील्डर भाग रहे पीछे मगर कोई भी नहीं रोक पाएगा उसको और 65 रन दोस्तों स्कोर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस दिन का बताते चलें आपको, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों श्रीलंका ने गेंदबाजी जो है नहीं चुनी और बल्लेबाजी चुनी, जैसा कि टॉस जीता और टॉस जीते ही बोल दिया यहाँ पर श्रीलंकाई कप्तान ने कि भैया हमें तो सबसे के पहले करना है बैटिंग। तो बैटिंग करने उतरी यहाँ पर टीम श्रीलंका की कैप्टन और अनुष्का सवांगी दोस्तों, चमीरा अट्टापट्टू और अनुष्का सवांगी यहाँ पर बैटिंग के लिए आई। तो पहला विकेट दोस्तों यहाँ पर गिर गया, कैप्टन कुछ भी नहीं कर पाई, 12 गेंदों में 6 रन बना करके आउट हुई और एक चौका लगाया सिर्फ और सिर्फ। दूसरा दोस्तों बल्लेबाज यहाँ पर 4 गेंदों में 2 रन बना करके आउट हो गया। तीसरा बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर 5 गेंदों में 1 रन ही बना पाए और दोस्तों यहाँ पर जो चौथा बल्लेबाज है वो 8 गेंदों में 6 रन बना पाया और दोस्तों यहाँ पर जो पांचवा बल्लेबाज है वो कोई भी रन नहीं बना पाया दोस्तों। जो छठा बल्लेबाज रहा उसने 1 रन बनाया और जो सातवां बल्लेबाज दोस्तों यहाँ पर वो साड़ी की बात कर लेते हैं, 20 गेंदों का सामना किया और 13 रन बनाया दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाज। 8 नंबर के बल्लेबाज की बात कर लेते हैं तो कोई भी रन नहीं बना पाया यहाँ पर। 9 नंबर के बल्लेबाज सुगंधिका कुमारी ने यहाँ पर 24 गेंदों में 6 रन की पारी खेली, वहीं इनोका ने जो कि लगातार नॉट आउट गई 22 गेंदों में 18 रन बनाए। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर स्कोर एक बल्लेबाज ने किया है इनोका ने, जो कि 22 गेंदों में 18 रन 2 चौके उन्होंने लगाए हैं और यहाँ पर अगले बैट्समैन ने 13 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। तो गेंदबाजी की बात करेंगे तो दोस्तों टीम इंडिया की ओर से यहाँ पर 6 गेंदों का इस्तेमाल किया गया है, 6 गेंदों में से दोस्तों सबसे बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर रहा है वो रेणुका सिंह ठाकुर का रहा है। अभी तक 3 ओवर ही डाले उन्होंने और 5 रन खर्च करके दोस्तों 3 विकेट अपने नाम किए हैं, एक मिडन ओवर भी उसमें से आया है। दीप्ति शर्मा ने यहाँ पे अपना स्पेल पूरा किया, 4 ओवरों में 7 रन दे करके कोई भी विकेट अपने नाम नहीं किया। लेकिन जो वुमेन एशिया कप का ये टूर्नामेंट है इस सीरीज में वो सबसे ऊपर यहाँ पर पायदान पे रही हैं विकेट टेकर के मामले में, 12 विकेट अभी तक इस सीरीज में उनके नाम आ चुके हैं। और दोस्तों राजेश्वरी गायकवाड़ ने भी अपना स्पेल पूरा किया, यहाँ पर दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, 16 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। स्नेहा राणा ने यहाँ पर 4 ओवर में 13 रन दोस्तों यहाँ पर दिए हैं और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। हेमलता को 3 ओवरों में कोई भी सफलता नहीं मिली, 8 रन खर्च किए। वहीं शेफाली वर्मा ने 2 ओवरों में 16 रन खर्च करके कोई भी अपने विकेट नाम नहीं किया है। तो दोस्तों विकेटों की बात कर लेते हैं, लगातार यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज आते चले गए और विकेट लगातार यहाँ पर श्रीलंकाई टीम का गिरता चला गया। सबसे पहले यहाँ पर कैप्टन आउट हो गई 8 रन के स्कोर पे, दूसरा बल्लेबाज दोस्तों 9 रन के स्कोर पे आउट हो गया, तीसरा बल्लेबाज लगातार 9 रन के स्कोर पे आउट हो गया और लगातार चौथा विकेट 9 रन के स्कोर पर दोस्तों गिर चुका। तो 3 बैट्समैन यहाँ पे लगातार 9 रन के स्कोर पर गिरे, टीम इंडिया की हैट्रिक हुई, 2 विकेट यहाँ पर रन आउट के चलते आ गए और एक विकेट दोस्तों यहाँ पर कैच आउट के रूप में आ गया। तो दोस्तों पांचवा विकेट यहाँ पर 16 रन पर गिरा और दोस्तों 18 रन पर छठवां विकेट गिर गया और सातवां विकेट यहां पर 25 के स्कोर पे गिरा, आठवां विकेट दोस्तों यहां पर 32 के स्कोर पे गिरा और नौवां विकेट 43 के स्कोर पर गिरा और लास्ट विकेट की जो जोड़ी है वो बनी रही, 24 गेंदों में दोनों ने 22 रन साझेदारी कर लिए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो लास्ट में जो दोनों बल्लेबाज रहे हैं उन्होंने लास्ट विकेट के लिए यहाँ पे 24 गेंदों में 22 रन की साझेदारी करी है, जिसके की चलते 65 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में बना पाई है श्रीलंकाई टीम। तो बल्लेबाजी के लिए दोस्तों यहां पे शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना आपको नज़र आने वाली हैं, दोनों बल्लेबाज यहां पर तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं, पैड्स और बैट लेकर के तैयार हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और यहां पर श्रीलंकाई कैप्टन अपने फील्डिंग के लिए यहां पर
जो खिलाड़ी हैं उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको जो है फील्डिंग करनी है। जो ये रन का जो स्कोर दिया गया है 65 रन का, जो जो हमने टारगेट दिया है उसे हम किस प्रकार से डिफेंस कर पाएं। तो आप सभी मित्र एक बार लाइक जरूर से करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जी जाइए। श्रीलंका विन करेगी जी, आपकी प्रेडिक्शन अभी पता चल जाएगी जी हाँ, क्योंकि इतना रन जो है वो नहीं बना है। आज के इस दिन जो है वो जरूर से जीतने वाली है, 15 ओवर में ही बन जाएंगे जी हाँ। आप ये कह सकते हैं अगर यहाँ पर एक भी बल्लेबाज जो है बेहतरीन पारी खेल जाता है तो ये जो रन्स हैं ये आपको 10 और 12 ओवर के पहले पहले ही चेज करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अगर विकेट जो गिर जाते हैं फिर थोड़ी सी लेट हो सकता है, लेकिन जो ये मुकाबला है वो आप कह सकते हैं कि यहाँ से टीम इंडिया दोस्तों जीतने वाली है। आप बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, जो एशिया कप है वो भारत ही आने वाला है। आप लोग एक बार जरूर से अपनी राय देंगे कि आज के इस दिन क्या लगता है आपको, आपकी प्रेडिक्शंस क्या रहेगी। गुड लक फॉर टीम इंडिया, आसिम खान, थैंक यू जी हाँ। तो आज के इस मुकाबले में जरूर से दोस्तों जो जीतने वाली है वो टीम इंडिया जरूर से जीतने वाली है। 2022 में एशिया कप अगर यहाँ पर मेंस के द्वारा नहीं लाया गया है तो वुमेन खिलाड़ी जरूर से लाने में क्या कामयाब रहेंगी। और लगातार आप लोग लाइक जरूर से करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कुछ ही मित्र और सब्सक्राइब कर लेंगे, एक जो सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब वाले बटन को आपने दबाना है और सब्सक्राइब कर लेंगे, वैसे ही हमारे 2000 सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस भी मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी जल्दी से, और लाइक करते जाएंगे क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं दोस्तों हर एक इंटरनेशनल मैच का लाइव टेलीकास्ट। दोस्तों लाइव टेलीकास्ट कमेंट्री के रूप में दोस्तों हम लेकर के आते हैं हर एक इंटरनेशनल मैच का। दोस्तों हर एक इंटरनेशनल मैच आप हमारे इस चैनल के माध्यम से लाइव कमेंट्री के तौर पे सुन सकते हैं, और जब भी कोई भी इंटरनेशनल मैच हो हर एक, और आईपीएल में आने वाले आईपीएल में भी हम आपको हर एक मैच का जो लाइव है कमेंट्री सुनाने वाले हैं। जो ये T20 वर्ल्ड कप आने वाला है तो आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से सुनने को मिलेगा दोस्तों हर एक लाइव का लाइव कमेंट्री। और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ और सिर्फ लाइक सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप लोगों को हमारी कमेंट्री अच्छी लग रही हो। 7 ओवर विन कन्फर्म, देखते हैं अगर आज ऐसा कर सकती है टीम इंडिया जो कि 7 और 10 ओवर तक भी अगर इस रन को चेज कर देती है तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी टीम इंडिया के लिए। और फिलहाल दोस्तों यहां पर बैटिंग के लिए तैयार हो चुकी हैं स्मृति मंधाना, और साथ में दोस्तों हैं उनके शेफाली वर्मा। दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन नज़र आने वाला है, दाएं हाथ और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन नज़र आने वाला है। तो दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ पर श्रीलंका ने टॉस जीतकर श्रीलंका विन द टॉस इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, तो बैटिंग करने का पहले निर्णय लिया था जो कि थोड़ा सही साबित नहीं हुआ है श्रीलंकाई टीम की ओर से। देखा जाए 65 रन ही बना पाए हैं अभी तक, सिर्फ और सिर्फ करेंट रन रेट की बात करेंगे तो इस मुकाबले को जीत के लिए टीम इंडिया को करेंट रन रेट 3.25 का चाहिए होगा। मतलब अगर 20 ओवर भी पूरे के पूरे खेलते हैं और 3 रन प्रति ओवर बनाते हैं, विकेट अपने पास रखते हैं, तो वो जरूर से इस मुकाबले में दोस्तों जीत जाएगी टीम इंडिया। दोस्तों टीम इंडिया यहाँ से जरूर से इस मुकाबले को दोस्तों वो है जीतने वाली है। और यहाँ पर बल्लेबाज तैयार हो चुके हैं, बल्लेबाजी के लिए आपको दिखने वाली हैं स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा। जी हाँ दोस्तों, शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना आपको बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं और फील्डर फील्डर लग चुके हैं दोस्तों, टीम श्रीलंका के फील्डर जो हैं वो लग चुके हैं। पहली बॉल यहाँ पर लेकर के तैयार हो जाएंगी श्रीलंका की तेज गेंदबाज। यहाँ पर
तैयार हो जाएंगी दोस्तों। ओसाड़ी, जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर श्रीलंका की तेज गेंदबाज ओसाड़ी, जिन्होंने कि आज 22 रन दोस्तों बनाए हैं, वो गेंदबाजी के लिए लगातार जारी रखेंगी अपनी गेंदबाजी। अभी तक 57 मुकाबलों में 51 विकेट जो है अपने नाम कर चुकी हैं। दाएं हाथ की तेज गेंदबाज रहने वाली और बल्लेबाजी के लिए यहाँ पे स्ट्राइक पे पहुंच चुकी हैं शेफाली वर्मा, जो कि 150 के प्लस स्ट्राइक रेट से हमेशा बल्लेबाजी करते हुई नजर आई हैं अभी तक T20 मुकाबलों में। तो आज देखना होगा किस प्रकार की बल्लेबाजी रहती है टीम इंडिया के बैट्समैन की ओर से। और पहली बॉल जो है वो दोस्तों डाली जाएगी और वाइड, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहली बॉल के यहाँ पे अंपायर के द्वारा वाइड करार दे दिया जाएगा। दूसरी बॉल लेकर के तैयार दाएं हाथ के गेंदबाज ओसाड़ी, सामने रहेंगी शेफाली वर्मा के लिए। और खेल करके भागना चाहते थे, मगर यहाँ पर दोनों बल्लेबाज समझदारी से बल्लेबाजी करना चाहेंगे, जरूर से कि रन आउट जो है नहीं होना है आपने। अगर यहाँ से रन आउट और जल्दबाजी करने के लिए जाएंगे तो जरूर से यहाँ पर विकेट गंवा सकती हैं। अगर आराम आराम से भी बल्लेबाजी करती हैं तो इस लक्ष्य को जो है वो पाया जा सकता है। दोनों बल्लेबाजों को यहाँ पर कोई तेजी से बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे शेफाली वर्मा लगातार स्ट्राइक पे बने रहेंगी और अभी तक दोस्तों 3 रन बन चुके हैं। आखिरी बॉल लेकर के तैयार रह जाएंगी यहाँ पे ओसाड़ी, अपने पहले ओवर की आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगी दोस्तों शेफाली वर्मा। अभी तक 2 बॉलें खेली हैं, 1 रन बनाया है स्मृति मंधाना ने, अभी तक 3 गेंदें खेल करके 1 रन बनाया है दोस्तों। और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ आखिरी गेंद पर सिंगल और आ जाएगा। इसी सिंगल के चलते यहाँ पर शेफाली वर्मा लगातार स्ट्राइक पे बनी रहेंगी और 4 रन यहाँ पर पहले ओवर में आ चुके हैं दोस्तों, 4 रन पहले ओवर में आ चुके हैं। 62 रन की जरूरत और रह जाएगी यहाँ से टीम इंडिया को, 114 बॉल अभी भी आपके पास रहेंगी। तो यहाँ पर देखा जाए आधी रन है और बॉल आपसे डबल है। तो यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यहां पर उठा दिया है सामने की ओर और यहां पर नो मैंस लैंड में गिर जाएगी। यहां पर कैच आउट का जरूर से चांस था फील्डर के पास, लेकिन फील्डर दोनों जो है काफी दूर रह जाएंगे, 30 गज का दायरा उसको क्रॉस करके गेंद गिर जाएगी। बैक फुट पर जाते हुए फील्डर ने जज नहीं कर पाया अच्छे से और कैच जो है वो ले सकते थे, लेकिन काफी मुश्किल कैच था। इसी के साथ यहाँ पर लगातार 1 रन और आ जाएगा पहली ही गेंद पर। सुगंधिका कुमारी यहां पर लगातार दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर के चलेंगी, दूसरे ओवर की पहली गेंद दोस्तों, जी हाँ दूसरे ओवर की पहली गेंद लगातार लेकर के चलेंगी और यहां पर सिंगल आ जाएगा और इसी के साथ लगातार 5 रन हो जाएंगे टीम इंडिया के बिना किसी नुकसान के। दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी सुगंधिका कुमारी, यहाँ पर सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना, जो कि अभी तक काफी अच्छे टच में नजर आई हैं और काफी रन्स भी इस टूर्नामेंट में निकले हैं उनके बैट से। ओपनिंग करते हुए उन्होंने काफी रन्स जो हैं वो बनाए हैं अभी तक इस वुमेन एशिया कप में।
और यहाँ पर लगातार दूसरी बॉल डॉट जाती हुई नजर आई है। स्ट्राइक लगातार यहाँ पर बने रहने वाली है स्मृति मंदाना के पास। टोटल जो है दोस्तों 65 रन का टारगेट दिया गया है टीम श्रीलंका की ओर से, यहाँ पर 65 रन का टारगेट दिया गया है। सो गया कुछ तो बोलो भैया, बोलते हैं मारी छोरी छोरियों से कम है। जी हाँ, आप ऐसा भी बिल्कुल कह सकते हैं कि टीम इंडिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो इस समय वर्ल्ड की नंबर वन टीम बन चुकी है। दोस्तों इंडिया की जो वुमेन टीम है वो वर्ल्ड की नंबर वन टीम बन चुकी है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर तीसरी बॉल डॉट आती हुई नजर आई है स्मृति मंदाना के बैट से। लगातार यहाँ पर दूसरे ओवर की तीसरी बॉल डॉट आ चुकी है और इसी के साथ सुगंधिका कुमारी अपनी चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। चौथी बॉल पर यहां पर स्मृति मंदाना ने खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया लेकिन वहां पर सामने फील्डर तैयार रहेगा। लगातार यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज क्रीज पर बने रहेंगे और दाएं हाथ की यहां पर स्पिन गेंदबाज सुगंधिका कुमारी लगातार बॉलिंग जारी रखेंगी अराउंड द विकेट। फील्डर को यहाँ पर सेट करती हुई नजर आई है स्मृति मंदाना। यहाँ पर पांचवी बॉल खेल करके कदमों का इस्तेमाल करके यहाँ पे पांचवी बॉल को बाउंड्री रेखा तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगी। कदमों का इस्तेमाल और बेहतरीन कवर ड्राइव दे मारा है, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल और इसी के साथ 9 रन हो जाएगा दोस्तों स्कोर बढ़ करके टीम इंडिया का। बिना किसी नुकसान के 9 रन पर पहुंच जाएगी टीम इंडिया। आखिरी बॉल अभी भी बरकरार रहेगी, आखिरी बॉल फेंकने के लिए तैयार हो जाएंगी यहाँ पे दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज दोस्तों सुगंधिका कुमारी लेकर के चलेंगी अगली बॉल। सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज और बैक फुट पर जाकर के बॉल को धकेल दिया है। बॉल में हालांकि कोई जान नहीं है, तेज गति से नहीं जा रही है, इसी के कारण यहाँ पर दोनों बल्लेबाज 2 रन भाग जाएंगे। जब तक कि फील्डर बॉल को पकड़ करके थ्रो कर पाते तब तक दोनों बल्लेबाज यहां पर 2 रन भाग गए थे। इसी के चलते 11 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 2 ओवरों में अभी तक 11 रन बन चुके हैं। अगर इसी गति से भागते हैं दोनों बल्लेबाज तो 10 ओवर तक इस मुकाबले को चेज किया जा सकता है। 10 ओवर तक 65 रन जो हैं वो आसानी से बना जाएगी टीम इंडिया। और देखा जाए तो जो फील्ड में है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आज फैंस पहुँचे हुए हैं, स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ नज़र आ रहा है। फाइनल मुकाबला है वुमेन एशिया कप का तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो गए हैं। और बल्लेबाज शेफाली वर्मा यहाँ से पहली ही बॉल पर कूद कर निकल के आगे आ चुके हैं और इसी के चलते यहाँ पे दूसरे ओवर में दोस्तों पहली ही बॉल पे यहाँ पे 1 रन आ जाएगा। तीसरी ओवर की पहली गेंद पे 1 रन आ जाएगा। स्मृति मंदाना स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगे लगातार और यहाँ पर अगली बॉल के लिए तैयार। और स्मृति मंदाना ने उठा दिया है कदमों का इस्तेमाल और बढ़िया कवर ड्राइव, कवर्स के ऊपर से छक्का दे मारा है और इसी के चलते यहाँ पर दोस्तों जो है 18 रन पर पहुंच चुकी है टीम इंडिया। बहुत बेहतरीन यहाँ पर कवर ड्राइव, कवर से के ऊपर से छक्का मारना वो भी कदमों का इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो टीम इंडिया की ओपनर बैट्समैन स्मृति मंदाना जो कि काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, काफ़ी खूबसूरत शॉट और 6 रनों के लिए अगली बॉल लेकर के तैयार रहेंगी। ओसाड़ी गेंदबाजी के लिए लगातार ओसाड़ी जारी रखेंगी दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज और यहाँ पर बैक फुट पर जाकर के यहाँ पर स्वीप शॉट हल्का सा मार दिया है और 4 रन के लिए कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, यहाँ पर पावर प्ले चलता हुआ नजर आया है तो इसी के चलते एक और 4 रन आ जाएगा। 22 रन स्कोर हो जाएगा टीम इंडिया का, लगातार यहाँ पर स्कोर बढ़ करके 22 रन हो जाएगा। अभी तक तीसरा ओवर ही चलता हुआ, 3 गेंदों का ही खेल हुआ है और 22 रन बिना किसी नुकसान के हो जाएगा। लगातार दोनों बल्लेबाज यहाँ पर 150 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। अभी तक 16 गेंदों में 23 रनों की साझेदारी हो चुकी है और यहां पर चौथी बॉल पर एक और सिंगल आ जाएगा और इसी सिंगल के चलते स्ट्राइक रोटेट हो जाएगी
और सामने पहुंच जाएंगी दोस्तों यहाँ पे दाएं हाथ के बल्लेबाज शेफाली वर्मा के लिए। यहाँ पर ओसाड़ी लेकर के चलेंगी पांचवी बॉल लेकर के चलेंगी। यहाँ पे सामने रहेंगी बल्लेबाज यहाँ पर शेफाली वर्मा यहाँ पर कदमों का इस्तेमाल जरूर से करना चाहेंगी और काफी ज्यादा आज के दिन दोस्तों फैंस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बॉलर तैयार और यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर गेंद उठेगी नहीं और लगातार यहाँ पर एक और सिंगल आ जाएगा। इसी सिंगल के चलते यहाँ पे लगातार 24 रन स्कोर हो चुका है टीम इंडिया का। आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगे गेंदबाज श्रीलंका के ओसाड़ी जिनका नाम है दोस्तों, वो लेकर के चलेगी अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद और एक और कवर ड्राइव बेहतरीन सिंगल आ जाएगा। इसी सिंगल के साथ 25 रन का स्कोर हो जाएगा दोस्तों टीम इंडिया का बिना किसी नुकसान के। और अभी तक दोस्तों इस ओवर में कुल मिलाकर के इस ओवर में 12 रन आ चुके हैं, तीसरे ओवर में 12 रन आ चुके हैं टोटल और 18 रन में 25 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों ने कर लिया। 18 गेंदें का खेली हैं अभी तक, 150 के स्ट्राइक रेट से भागे हैं दोनों बल्लेबाज। 41 रन दूर यहां से रह जाएगी टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक, और स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगी यहां पे स्मृति मंदाना, लगातार स्ट्राइक बनी रहेगी उनके पास। जी हाँ, तो कोई तीन मित्र और जरूर से लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो 1000 लाइक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कोई तीन मित्र और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो हमारे लाइक हैं वो 1000 कंप्लीट हो जाएं। तो सभी मित्र एक बार लाइक जरूर से कर देंगे और सब्सक्राइब जिस भी मित्र ने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। इंडिया में पावर है, जी हाँ इंडिया में जरूर से पावर है और आप यूं कह सकते हैं कि हमारी छोरी छोरों से कम है के, तो आपकी ये प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही हो जाएगी। और स्मृति मंदाना ने यहाँ पे उठा करके हमारा एक छक्का और आ जाएगा दोस्तों, पहली ही बॉल पर यहाँ पर छक्का आता हुआ इनोका के दूसरे ओवर में दोस्तों, और लगातार स्कोर बढ़ करके यहाँ पर 31 रन हो जाएगा बिना किसी नुकसान के चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर दोस्तों, 6 रन आ जाएंगे। दूसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी यहाँ पे गेंदबाज श्रीलंका की इनोका का ये दूसरा ओवर और बैक फुट पर जाकर बॉल को धकेल दिया हल्के हाथों से फील्डर के पास। जब तक बॉल पहुंचती तब तक दोनों बल्लेबाज सिंगल भाग गए थे। इसी एक सिंगल के साथ 32 रन स्कोर हो जाएगा शेफाली वर्मा, दाएं हाथ की बल्लेबाज शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर पहुंच जाएंगी। अभी तक इस इनिंग में 2 छक्के आ चुके हैं लगातार यहाँ पर स्मृति मंदाना के बैट से, जो कि लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करती हुई नजर आई। अगर इसी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करती हुई नजर आएंगी तो आने वाले जो 2-3 ओवर हैं जो इस स्कोर को 65 रन के स्कोर को आसानी से चेंज कर जाएगी टीम इंडिया। लगातार यहाँ पर अराउंड द विकेट बॉलिंग जारी रहेगी शेफाली वर्मा, यहाँ पर LBW जो है दोस्तों LBW हुई हैं और यहाँ पर अंपायर का फैसला यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, तो लगातार गेंदबाजी जारी रहेगी। चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी ओसाड़ी अपनी चौथी बॉल लेकर के तैयार, चौथे ओवर की चौथी बॉल लेकर के तैयार और कदमों का इस्तेमाल और आगे आ गई थी और हवा में लटकाया यहाँ पे गेंदबाज ने और स्टंप आउट यहाँ पर कर दी जाएंगी। इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ 32 के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका लगता हुआ नजर आया है और 1 विकेट अभी तक गंवाया है, 32 रन बना चुके हैं। लगातार कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इंडिया हैज विन, ओके जी हाँ आज के दिन तो इंडिया जरूर से जीतने वाली है। लेट कमेंट्री है देखता हूँ मैं, लेट कमेंट्री तो आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जी नहीं, जो यहाँ पर स्कोर है वो आपको बिल्कुल सही दिखाया जा रहा है लेकिन जो कमेंट्री है वो आवाज़ मेरी लेट यहाँ पर पहुँच रही है तो आपको सामने से कम दिखाई
पीछे सुन रही होगी, जो वीडियो है वो आपको आगे चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेरी आवाज़ आपको पीछे सुनाई दे रही होगी। इसका रीजन हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत, 10 ओवर में चेंज हो जाएगा। जी हाँ, 10 ओवर तक चेंज होने को बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर जेमी आ चुकी हैं, 66 मैच खेले हैं अभी तक और 1500 रन जो हैं वो बना चुकी हैं। 100 से प्लस का स्ट्राइक रेट रहने वाला है, लगातार स्ट्राइक पे पहुँचेंगी। इनोका अपनी पांचवी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी, चौथे ओवर की पांचवी बॉल सामने आ जाएंगी। दाएं हाथ की बल्लेबाज जेमी खेलेगी अगली बॉल और यहां पर कोई रन नहीं आएगा। लगातार बल्लेबाजों के द्वारा पहला बल्लेबाज यहां पे पहली बॉल खेलते हुए यहां पे कदमों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और कोई रन नहीं आएगा। आखिरी गेंद लेकर के तैयार रहेंगी, चौथे ओवर की आखिरी गेंद, यहाँ पर लगातार स्ट्राइक बनी रहेगी दाएं हाथ के बल्लेबाज जेमी के पास। और यहां पर बैक फुट पर जाकर के बॉल को धकेल दिया है और सिंगल आ जाएगा। इसी सिंगल के साथ लगातार स्कोर बढ़ करके टीम इंडिया का 33 रन हो जाएगा दोस्तों, एक विकेट के नुकसान पे। यहां पर चार ओवर के बाद में 33 रन एक विकेट के नुकसान पे स्कोर हो जाएगा और लगातार यहाँ पर दाएं हाथ के बल्लेबाज जो है स्ट्राइक पे बने रहेंगे। स्मृति मंदाना अभी भी क्रीज पर मौजूद रहेंगी, 14 गेंदों में 26 रन बना करके खेल रही हैं। जीत के लिए यहाँ से दोस्तों 33 रन बन चुके हैं, 33 रन बाकी रह जाएंगे और 66 रनों पर जो है वो जीत दर्ज हो जाएगी। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो मैच है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए और एशिया कप जो है वो टीम इंडिया अपने नाम करे, क्योंकि देखा जाए तो दोस्तों मेंस ने इस साल जो है एशिया कप भारत ला नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर जो है महिला क्रिकेट टीम ने, टीम इंडिया की जो महिला क्रिकेट टीम है उसने ये कारनामा करके दिखाया। और आज के दिन आपको ये जो है वो देखने को आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 100% यहाँ पर सही होता हुआ नजर आएगा। लेट कमेंट्री है, जी हाँ दोस्त, आपको लग रहा होगा लेट कमेंट्री है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। जी हाँ, 10 ओवर से पहले पहले यहाँ पर जो है ये टारगेट चेंज हो जाना चाहिए। अगर इसी रन रेट से भागेंगे तो 8 ओवर में चेंज हो जाएगा। और लगातार यहाँ पर दूसरी बॉल पर सिंगल आता हुआ, लगातार 2 गेंदों में 2 सिंगल्स आ चुके हैं और लगातार टीम इंडिया का स्कोर बढ़ करके 35 रन हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। तीसरी बॉल लेकर के चलेगी यहाँ पे काबिसा दिलहारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नाम काफ़ी ज़्यादा अटपटे हैं श्रीलंकाई खिलाड़ियों के, तो बोलने में थोड़ा सा जवान जो है वो लड़खड़ा जाती है। तीसरी बॉल लेकर के यहाँ पे तैयार रहेंगे और सामने रहेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज, टीम इंडिया के सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज रहने वाले हैं। और लगातार यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ, करेंट रन रेट की बात कर लेंगे तो दोस्तों 8 का चल रहा है, 8 रन प्रति ओवर अभी तक टीम इंडिया यहां तक पहुंची है। और जो रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर रिक्वायर्ड रन रेट सिर्फ और सिर्फ 2 का है, 2 रन प्रति ओवर अगर बनाते हैं तो भी यहां से आराम से जीता जा सकता है। सामने है दाएं हाथ की बल्लेबाज और यहां पर क्लीन बोल्ड कर दिया है कदमों का इस्तेमाल जेमी, यहाँ पर 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो जाएंगी। बल्लेबाज लगातार यहाँ पर पहली ही बॉल से कदमों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं और उसी के चलते यहाँ पर 1 विकेट और गिर जाएगा टीम इंडिया का। 35 के स्कोर पे लगातार यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ नजर आया है और बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया के कप्तान जो हैं वो आ जाएंगे। और श्रीलंकाई खेमे में यहाँ पर एक जो है खुशी की लहर सी उठ पड़ी है कि अगर यहाँ से 1-2 विकेट और लगातार यहाँ पर गिरा लिए जाएँ तो यहाँ पर मुकाबले में वापसी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मैन बैट्समैन कह सकते हैं आप, स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर अभी भी क्रीज पर डटे हुए रहेंगे तो स्ट्राइक पहुँचेगी हरमनप्रीत कौर के पास। पांचवें ओवर की चौथी बॉल लगातार लेकर के चलेंगी यहाँ पर दिलहारी, गेंदबाज दिलहारी अभी तक लगातार अपनी तीसरी गेंद पर ही विकेट निकाल दिया है उन्होंने और बेहतरीन गेंदबाजी रही है अभी तक। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर, टीम इंडिया के कप्तान
और पहली बॉल खेलने के लिए तैयार रहेंगे, राउंड द विकेट जाएंगे बॉलर यहाँ पर बॉल के लिए। और बहुत बढ़िया यहाँ पर पहली बॉल यहाँ पर डिफेंस करते हुए नजर आए हैं। अगली बॉल लेकर के तैयार सामने हैं हरमनप्रीत कौर जी, हाँ टीम इंडिया की कप्तान। जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ से दोस्तों 31 रनों की ज़रूरत है, वो रहने वाली है। और बल्लेबाजी में अभी भी काफ़ी दमखम रह जाएगी। 10 ओवर तक आपको ये मुकाबला जो है चलता हुआ नज़र आ सकता है, 10 के 12 ओवर तक चलता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि 2 विकेट जो हैं वो अभी तक गिर चुके हैं। बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद जो है और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, इसके चलते एक विकेट और आ चुका है। हरमनप्रीत कौर अगली बॉल खेलने के लिए तैयार और लगातार कदमों का इस्तेमाल उठा करके दे मारा है। और यहाँ पर 6 रन या 4 रन लगातार देखना होगा, अंपायर का फैसला 4 रन का आ जाएगा। और यहाँ पर दूसरी ही बॉल पर लगातार बड़ा शॉट मार दिया है, इसी के चलते यहाँ पर स्कोर बढ़ करके दोस्तों हो जाएगा 39 रन, ये 2 विकेट के नुकसान पर हो जाएगा। आखिरी गेंद अभी भी बाकी रह जाएगी। दिलहारी गेंदबाज जो कि श्रीलंका गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, लगातार अपनी आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगे। अभी तक 2 छक्के और 3 चौके इस इनिंग में लगाए जा चुके हैं टीम इंडिया के। बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेल करके 1 रन और प्राप्त कर लिया है। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 90 बॉल अभी भी बाकी रह जाएगी, यहाँ से 26 रन की दूरी पर रह जाएगी टीम इंडिया। एशिया कप को जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 26 रनों से दूर रह जाएगी दोस्तों यहां से। 26 रन बनाते ही जो एशिया कप है वो टीम इंडिया अपने नाम कर जाएगी। हालांकि आज के साल इस साल 2022 में दो दो एशिया कप थे दोस्तों यहां पर टीम इंडिया जो मेंस थे उन्होंने तो ये कारनामा कर नहीं पाया है, लेकिन यहाँ पर जो वुमेन्स टीम है उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। और भारत में एक एशिया कप आने वाला है महिला क्रिकेट टीम के द्वारा, यहाँ पर भारत में एक एशिया कप जो है इस साल आने वाला है दोस्तों। जीतेगा ही इंडिया, बिल्कुल जी हाँ। तो जब आप सभी लोग मानते हैं कि टीम इंडिया जीतेगा तो एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आप अगर गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर से करेंगे भाई तो यहाँ पर आप टाइम आउट दे दिए जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर आप और भी आईडी बना करके आते हैं तो आप लगातार यहां से ब्लॉक ही किया जाएंगे, क्योंकि यहां पे गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें आप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपसे भाई करके बात कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा रिस्पेक्ट दे सकते हैं। श्रीलंका वालों करो डांस, जी हाँ। नहीं डांस तो नहीं कर सकते, इंडिया में डांस हो सकता है दोस्तों। अनमोल शेख थोड़ा सब्र कर लो भाई। अच्छा हाँ जीतेगी जीतेगी, डांसिंग ऑफ श्रीलंका। नागिन डांस तो यहाँ पे बांग्लादेश की टीम जरूर से करती है, लेकिन जो डांस है श्रीलंका की टीम करती है इसका आई डोंट नो। तो यहाँ पर अगली बॉल पर लगातार यहाँ पर स्ट्राइक पे स्मृति मंदाना बनी रहेंगी। इनोका का लगातार यहां पर दूसरा ओवर जारी रहने वाला है। इस ओवर में अभी तक 1 रन आया है और यहां पर अपील की गई है, लेकिन यहां पर अंपायर ने जो है नकार दिया है। 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर लगातार स्कोर बना रहने वाला है टीम इंडिया का। चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी यहां पे दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज इनोका, श्रीलंकाई गेंदबाज यहां पर लगातार विकेट लेने के लिए देख रहे हैं, मगर यहां पर जो विकेट है वो 2 ही मिले हैं अभी तक उन्हें। अगली बॉल लेकर के तैयार और स्मृति मंदाना ने बैक फुट पर जाकर के बॉल को दे मारा है, हल्का सा स्वीप शॉट बाएं हाथ की बल्लेबाज और स्ट्राइक रोट आउट हो जाएगी यहां पर। हरमनप्रीत कौर पहुंच जाएंगे स्ट्राइक पे। लगातार 5वीं बॉल लेकर के तैयार रहेंगी इनोका, श्रीलंकाई बॉलर। प्रिडिक्शंस सही हुई थी भाई, आपकी प्रिडिक्शन सही हुई थी। अगर आपने 50 और 60 रन बोला हुआ तो लगभग आपकी प्रिडिक्शन सही हुई है, क्योंकि 65 रन ही सही बने हैं। 65 रन ही टीम श्रीलंका बनाई पाई है वहां पे और 9 विकेट अभी तक अपने गवा चुकी थी। अगर आप प्रिडिक्शन करके गए थे पहली इनिंग में
लगातार यहां पर 6 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 2 विकेट के नुकसान पे 42 रन स्कोर बना रहने वाला है और स्ट्राइक पे यहां पे लगातार बनी रहेंगी दाएं हाथ की बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के पास यहां पे स्ट्राइक रहने वाली है दोस्तों, जो कि 7 गेंदों में 6 रन बना करके खेल रही हैं। और वहीं स्मृति मंधाना ओपनर बल्लेबाज 17 गेंदों में 28 रन की पारी अभी तक खेल चुकी हैं, लगातार 2 चौके और 2 छक्के भी उनके बैट से निकल चुके हैं। 42 रन, 24 रन यहां से सिर्फ और सिर्फ दूरी रह जाएगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ट्रॉफी, वुमेन एशिया कप की जो ट्रॉफी है वो टीम इंडिया का इंतजार कर रही है, चमचमाती हुई ट्रॉफी दी जाएगी हरमनप्रीत कौर को। पूरे ही जो टीम इंडिया का खेमा है खुशी से झूमने वाला है इस साल का ये वुमेन एशिया कप फाइनल मुकाबला दोस्तों। अभी तक का यहाँ पर टीम इंडिया जो जीत की ओर बढ़ रही है सिर्फ और सिर्फ 20 रन यहाँ से दूर रह जाएगी। दिल हारी लगातार अपना दूसरा ओवर लेकर के आएंगी, पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, 7वें ओवर की पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार होंगी दोस्तों। कबीसा दिल हारी गेंदबाज श्रीलंका की, और सामने रहेंगी बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंधाना, पहली बॉल लेकर के तैयार चलेंगी यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, और यहाँ पर बैक फुट पर जाकर के बॉल को तमाचा दे मारा है और यहाँ पर बॉल बाउंड्री लाइन को टच कर जाएगी। जब तक फील्डर वहां पर पहुंचते पहुंचते दो दो फील्डर पीछे थे लेकिन वहां पर कोई भी फील्डर पहुंच नहीं पाएगा। इसी के साथ 46 रन स्कोर बढ़कर के हो जाएगा, पहली ही बॉल पर 4 रन आ चुका है दोस्तों, 20 रन यहां से दूर रह जाएगी, 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर लगातार टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर के हो जाएगा। और यहां पर स्ट्राइक पर लगातार स्मृति मंधाना बनी रहेंगी, अगली बॉल लेकर के तैयार बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज सामने रहने वाले हैं और सामने लगातार बाएं हाथ की बल्लेबाज बनी रहेंगी टीम इंडिया की, सिर्फ और सिर्फ यहां से 20 रन की दूरी रह जाएगी। और फील्ड जो है खोल दी गई है लेकिन श्रीलंकाई जो फील्डर हैं वो अभी भी काफ़ी अंदर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, वो सिंगल और डबल जो है रोकना चाहेंगे, बाउंड्री को यहाँ पर नहीं रोकना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज ने फिर से बैक फुट पर जाकर धकेल दिया, 3-3 फील्डर पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी बॉल लगातार 4 रन आ जाएंगे, इसी के चलते लगातार 2 चौके और यहाँ पर 50 रन का जो आंकड़ा है उसको छू लिया है 7वें ओवर में, 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन यहाँ पर पहुंच जाएंगे, 16 रन की दूरी रह जाएगी यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया 16 रनों की दूरी पर रहने वाली है इस मुकाबले में। जय हिंद। जी हाँ उमेश ठाकुर, तो आप सभी लोग एक बार जय हिंद से कमेंट को भर दीजिए, इस मुकाबले को जीतने के लिए टीम इंडिया को सिर्फ और सिर्फ 15 रन की जरूरत रह जाएगी, एक सिंगल और इसी सिंगल के चलते यहाँ पे हरमनप्रीत कौर स्ट्राइक पे पहुँच जाएंगी, जो कि एक आध बड़े शॉट जरूर से यहाँ पे लगाना चाहेंगी फाइनल मुकाबले में। फाइनल मुकाबला है, रन ज़्यादा बने नहीं दोस्तों, पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे श्रीलंका की टीम 20 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 65 रन बोर्ड पर दर्ज कर पाई है। जवाब में उतरी टीम इंडिया, 7वें ओवर में लगातार 50 का आंकड़ा छू ली है और यहां पर चौथी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी सामने हरमनप्रीत कौर, और सिंगल नहीं ले पाएंगे दोनों बल्लेबाज, यहां पे लगातार 51 रन स्कोर बना रहेगा। इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं, कवासी दिलहानी ने अभी तक 1 ओवर डाला है, पहले ही ओवर में 1 विकेट अपने नाम किया था लेकिन लगातार वहां पर दूसरा ओवर महंगा साबित होता हुआ नजर आया है। बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर यहां पर स्ट्राइक पे कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन सामने फील्डर मौजूद रहेंगे, नो मैंस लैंड में गेंद गिर जाएगी फील्डर के सामने, तो इसी के साथ 1 सिंगल दौर और इसी सिंगल के साथ 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे लगातार स्कोर बढ़ करके हो जाएगा, 14 रन की दूरी यहाँ पे रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया को जीत के लिए इस मुकाबले में। और इसी के साथ यहाँ पर आखिरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी दाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज, सामने रहेंगी दाएं हाथ की बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के लिए, और आखिरी बॉल पर यहाँ पर
कोई भी रन नहीं आएगा, जिसके चलते यहाँ पे 7 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 12 सिर्फ और सिर्फ 14 रन दूर रह जाएगी यहाँ से टीम इंडिया दोस्तों, 14 रन की दूरी पर रह जाएगी इस मुकाबले में जीत के लिए। और लाइक नहीं किया है आपने तो जल्दी से सभी मित्र एक बार लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी मित्र एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं हर एक इंटरनेशनल का लाइव स्कोर। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए हम हर एक इंटरनेशनल मैच का लाइव स्कोर लेकर के आते हैं, और वर्ल्ड कप जो है वो भी आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो प्रैक्टिस मैच है 17 तारीख को दोस्तों, जरूर से जुड़िएगा। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वार्म अप मैच खेला जाएगा सुबह 9 बजे से यहाँ पे वार्म अप खेल मैच खेला जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ जरूर से जुड़िएगा, हम आपको बोल बाय बोल सुनाने वाले हैं कि केएल राहुल कितना मारेंगे प्रैक्टिस मैच में, और यहाँ पे हार्दिक पांड्या भाई कुनफू पांड्या वो कितने रन मारने वाले हैं प्रैक्टिस मैच में, क्योंकि बल्लेबाज प्रैक्टिस मैच में यहाँ पे ज़्यादा रन जो है बल्ले को घुमाना चाहेंगे, और ताकि वर्ल्ड कप में अपने जो बल्ले से हैं रनों की बौछार कर सकें। तो आप लोग लगातार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार आपको टीम इंडिया और सारे के सारे जो भी इंटरनेशनल मैच हैं सबका लाइव स्कोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर 8वें ओवर की शुरुआत करेंगी यहाँ पर इनोका, 3रा ओवर लेकर के आती हूँ। पहले ही गेंद पर बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर यहाँ पर 2 रन भाग जाएंगी, बैक फुट पर जाकर के बॉल को दे मारा है कवर्स की ओर में, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। जब तक कि फील्डर बॉल को पकड़ करके थ्रो कर पाते, विकेट कीपर के हाथों में एक बॉल आ पाती, तब तक वहाँ पर दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरा कर गए थे। दूसरी बॉल लेकर के तैयार, दूसरी बॉल पर यहाँ पर कोई भी रन नहीं आएगा, लगातार यहाँ पर 2 बॉलों का खेल हुआ है अभी तक। तीसरी बॉल लेकर के तैयार रहेंगी श्रीलंका की गेंदबाज इनोका, और स्कोर दोस्तों लगातार यहां पर 54 रन 2 विकेट के नुकसान पे बना रहेगा, 12 रन दूर रह जाएगी टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत के लिए। तो बात करते हैं दोस्तों मेंस की, तो यहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या यहां पर जो है एशिया कप को भारत लाने में कामयाब नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर टीम महिला, यहाँ पर टीम इंडिया की जो महिला टीम है उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है आज के इस दिन। सिर्फ और सिर्फ 12 रन दूर रह जाएंगी। चौथी बॉल लेकर के तैयार, सामने रहेंगी यहाँ पे दाएं हाथ की बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर इनोका के लिए, और यहाँ पर एक और रन आ जाएगा, इसी के चलते 11 रन दूरी पर रह जाएगी, 55 रन का स्कोर हो जाएगा 2 विकेट के नुकसान पर। और स्मृति मंदाना जो कि अभी तक दोस्तों बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करती हुई नजर आए हैं, 2 छक्के और 4 चौके अभी तक बैट से अपने निकाले हैं, लास्ट बॉल खेलने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे इनोका लगातार गेंदबाजी जारी रखेंगे, यहाँ पे राउंड द विकेट चलेंगी, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज सामने रहेंगे, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि अभी तक काफी बढ़िया बल्लेबाजी करती हुई नजर आई है, 150 से ऊपर की जो बल्लेबाजी रही है, कदमों का इस्तेमाल, और ये उठा दिया है, सामने कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, यहाँ पर कंफर्म जरूर करेंगे अंपायर, 4 रन है यहाँ पर 6 रन, लेकिन यहाँ पर 4 रनों का इशारा रहेगा, इसी के चलते यहाँ पर जो है स्कोर दोस्तों 59 रन का स्कोर हो जाएगा, 7 रन दूर रह जाएगी। यहाँ पर आपका प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही जाता हुआ दोस्तों, 8 और 9 ओवर में, यहाँ पर 8 ओवर के बाद 59 रन हो चुका है, 9 और 10 ओवर में लगातार आपको जीत हासिल होती हुई नजर आ जाएगी। इस ओवर में कुल दोस्तों 7 रन आ चुके हैं, इनोका के 3रे ओवर में 7 रन्स आ चुके हैं, और श्रीलंका ने अभी तक ज़्यादा बॉलरों का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ उनके 2 ही बॉलर लगातार बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं, जो कि 32 और 35 रन खर्च कर चुके हैं, और लगातार यहाँ पर अपना 4था ओवर लेकर के दोस्तों आ जाएंगे बल्लेबाज, यहाँ पर लगातार 4था ओवर लेकर के दोस्तों तैयार रहेंगे। और स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगी हरमनप्रीत कौर दोस्तों, हरमनप्रीत कौर 13 गेंदों में 10 रन बना करके खेल रही है, और ओसाड़ी अपना 3रा ओवर लेकर के आ जाएंगी, ओसाड़ी गेंदबाज यहां पर अपना 3रा ओवर, और पहली बॉल वाइड के चलते 60 रन बोर्ड पर दर्ज हो जाएंगे 2 विकेट के नुकसान पे, 6 रन सिर्फ और सिर्फ यहां से टीम इंडिया जीत की दूरी पे रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 6 रन दूर
रह जाएगी टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत के लिए। तो आप लोगों ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन को सभी मित्र एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं हर एक इंटरनेशनल मैच का दोस्तों लाइव स्कोर आपके लिए लेकर के आएंगे। और 17 तारीख को दोस्तों जाइएगा नहीं, क्योंकि 17 तारीख को आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बॉर्म मैच, जो आपको कहीं पर भी नहीं दिखाया जाएगा। आप कहीं पर भी देखेंगे बॉर्म अप मैप, आपको स्कोर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम आपके लिए लेकर के आएंगे लाइव कमेंट्री। जी हाँ दोस्तों, लाइव कमेंट्री हम आपके लिए लेकर के आएंगे और जुड़ जाइएगा 17 तारीख को 9 बजे दोस्तों, सभी मित्र जुड़ जाइएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आपको दिखेंगे एरोन फिंच, ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या भी दिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर लेवल स्कोर हो चुका है, पहली बॉल वाइड, दूसरी बॉल पर सिंगल, और स्मृति मंदाना ने यहाँ पर फिर से उठा करके दे मारा है बॉल को, कदमों का इस्तेमाल लगातार, और 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रनों के लिए और स्कोर हो चुका है टीम इंडिया का यहाँ पर लगातार लेवल। और यहाँ पर आखिरी एक रन की जरूरत रह जाएगी टीम इंडिया को जीत के लिए, यहाँ पर ओसाड़ी चलेंगी अपनी तीसरी बॉल लेकर के, लगातार तैयार रहेंगी और सामने रहेंगी दोस्तों बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंदाना, जो कि अभी तक लगातार 200 से प्लस का स्ट्राइक रेट बनाए हुए बल्लेबाजी कर रही हैं यहाँ पे सामने। और यहाँ पर घुटना टेक शॉट और ये टीम इंडिया जीत चुकी है मुकाबला दोस्तों, ये टीम इंडिया जीत चुकी है। लास्ट बॉल पर छक्का दे मारा है यहाँ पर, बहुत ही घोटा टेक शॉट कहेंगे इसको कि, और 6 रनों के साथ इसी के साथ टीम इंडिया ने एशिया कप को अपने नाम कर लिया है। इंडिया विन बाय 8 विकेट्स दोस्तों, यहाँ से 8 विकेट रहते हुए यहाँ पर टीम इंडिया ने जो एशिया कप है वो अपने नाम कर लिया है। 25 गेंदों में 51 रन की एक बेहतरीन पारी खेल दी है स्मृति मंदाना ने। श्रीलंका ने सिर्फ और सिर्फ 65 रन बनाए, उसमें से जवाब में उतरी स्मृति मंदाना ने 25 गेंदों में 51 रन अकेले ही बना डाले हैं, जिसके की चलते टोटल 71 रन यहां पर बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और टीम इंडिया दोस्तों इस मुकाबले को जीत चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत चुकी है। तो दोस्तों आपको बताते चले, यहाँ पर टॉस जीत करके श्रीलंकाई बैट्समैन ने यहाँ पर, श्रीलंका की जो कप्तान है, श्रीलंका कप्तान ने चमारी अट्टापट्टू ने यहाँ पर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था, और पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पर 65 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर पूरे खेल करके यहाँ पर बनाए थे 65 रन। जवाब में उतरी यहाँ पर टीम इंडिया, 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं और टीम इंडिया जीत चुकी है फाइनल मुकाबला। और वुमेन एशिया कप वो है वो अब भारत आएगा दोस्तों, जो चमचमाती हुई ट्रॉफी है वो टीम इंडिया भारत लेकर के आने वाली है। हालांकि ऐसा काम जो है खिलाड़ी जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं हुआ है इस साल, लेकिन यहां पर हरमनप्रीत कौर ने जो है ये काम जरूर से किया है। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट को भर दीजिएगा जय हिंद से दोस्तों, कमेंट को एक बार जय हिंद से जरूर से भर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि टीम इंडिया के जो वुमेन्स हैं वो छोरी छोरों से कम है, कि हमारी छोरी छोरों से कम है, आप में से 90% लोग इस स्लोगन को जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, तो आप लोग एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर से लिख दीजिएगा दोस्तों, और लगातार लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार हम आपके लिए लेकर के आएंगे दोस्तों। और स्कोर दोस्तों लगातार यहां पर लेवल हो चुका है, टीम इंडिया दोस्तों जो है जीत चुकी है। तो दोस्तों आपको हम स्कोर बता देते हैं, यहां पे श्रीलंका सबसे पहले उतरी, यहां पर श्रीलंका ने यहां पर कोई भी बैट्समैन 4 और 6 रन और 10 रन से ऊपर नहीं बना पाए, सिर्फ और सिर्फ यहां पर इनोका ने 18 रन की पाली घेरी, और ओडिशा यहां पर नाम है यहां पर श्रीलंकाई बैट्समैन का, उन्होंने 13 रन की पारी खेली, बाकी 1-2 रन बना करके आउट हो गए। तो वहाँ पर विकेटों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आज के इस दिन में रेणुका सिंह ठाकुर ने 3 ओवरों में दोस्तों 3 विकेट लिए हैं 5 रन खर्च करके। दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन स्पेल डाला है, 4 ओवर में 7 रन दिए हैं सिर्फ और सिर्फ 7 रन दे करके।
और चार ओवर अपने निकाल दिए हैं, एक भी विकेट नहीं लिया है। लेकिन हालांकि इस जो सीरीज रही है पूरे एशिया कप में, अभी तक उन्होंने 12 विकेट अपने नाम किए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं। और जो बेस्ट ऑलराउंडर मैन ऑफ द मैच रहेंगी वो दीप्ति शर्मा ही रहने वाली हैं। इस टूर्नामेंट की बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड जो है वो दीप्ति शर्मा को दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच दोस्तों यहाँ पर स्मृति मंधाना को दिया जाने वाला है। और यहाँ पर टीम इंडिया की लेडीज यहाँ पर चारों तरफ ग्राउंड के घूम करके जो फैंस हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में काफ़ी भीड़ पहुँची हुई थी दोस्तों। बांग्लादेश में काफ़ी हद तक यहाँ पर टीम जो हिंदुस्तानी फैंस हैं वो पहुँचे हुए थे, और नीली जर्सी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और ग्राउंड के चारों तरफ आपको घूम करके यहाँ पर सभी का शुक्रिया अदा करती हुई नज़र आ रही हैं टीम इंडिया की सारी खिलाड़ी। और यहाँ पर अब फोटो खिंचाने का भी जो है वो सिलसिला जारी रहेगा, और यहाँ पर जो ट्रॉफी है वो भी टीम इंडिया को दी जाने वाली है कुछ ही मिनटों में। लगातार आप लोग हमारे साथ अभी बने रहिए, जब तक ट्रॉफी जो है जीत दी जाती है तब तक हम आपके साथ जरूर से जुड़े रहने वाले हैं। कुछ सीख लो एसके जी, हाँ जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मेंस टीम है टीम इंडिया को, उनको सीखना चाहिए। और आप ऐसा भी कह सकते हैं धोनी की कप्तानी में आप जीतते थे कप फाइनल, जीतते थे चैंपियन ट्रॉफी, जीतते थे एशिया कप, जीतते थे वर्ल्ड कप जीते थे, और कोहली की कप्तानी में आप फाइनल तक पहुंचते थे, और रोहित शर्मा की कप्तानी में दोस्तों आप एशिया कप से ही बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहने की बात जरूर से होगी कि रोहित शर्मा की कप्तानी अभी तक सफल नहीं रही है। और जो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आईसीसी वर्ल्ड कप, उसमें भी देखना होगा टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। कैप्टन रोहित शर्मा यहां पर जरूर से चाहेंगे कि एशिया कप में नहीं कर पाए जो फाइनल तक नहीं पहुंच पाए, वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुँचें और मुकाबले को अपने नाम करें, जो वर्ल्ड कप है उसको जीत कर आएँ। यहाँ पर एशिया कप मेंस ने नहीं जीता है, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन तौर से यहाँ पर टीम इंडिया की जो महिला क्रिकेट टीम है वो भारत जरूर से लेकर के आएंगी एशिया कप को। और अभी तक गेंदबाजी की दोस्तों बात कर लेते हैं, बांग्लादेश के गेंदबाजों ने यहाँ पर दोस्तों कोई बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाया है। बांग्लादेश की ओर से दोस्तों श्रीलंका की ओर से चार गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, चार गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। ओडिशा ने अपने तीसरे ओवर में ही दोस्तों मैच को ख़त्म करवा दिया, दो ओवरों में 30 रन देकर के सबसे महंगी साबित हुई, और एक एक विकेट यहाँ पर इनोका और कबीसा दिलवारी को एक एक विकेट मिला है। तीन और दो ओवर में 17-17 रन देकर के एक एक विकेट अपने नाम किया है। तो आप लोग लगातार जय हिंद जरूर से कमेंट में सभी मित्र एक बार लिख दीजिएगा, और लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों मोस्ट रन्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैमी के रहने वाले हैं, जैमी यहाँ पर मोस्ट रन्स इस सीरीज में अभी तक बनाए हैं, और हाईएस्ट विकेट टेकर दीप्ति शर्मा रही हैं, और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट की बल्लेबाजी जो रही है वो रही है स्मृति मंधाना के बैट से अभी तक इस मुकाबले में। और आज की मैन ऑफ द मैच भी रहने वाली हैं स्मृति मंधाना, लगातार 25 गेंदों में 51 रन बनाए हैं, 3 छक्के और 6 चौके की मदद से 25 गेंदों में 51 रन जो हैं वो जड़ दिए हैं अभी तक। जी हाँ, ट्रॉफी के लिए मंच तैयार किया जा रहा है दोस्तों, ट्रॉफी के लिए मंच तैयार किया जा रहा है, और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर ट्रॉफी है वो टीम इंडिया के हाथ में आने वाली है। खुशी का यहाँ पे ठिकाना अभी देखना है कैसी खुशी रहने वाली है टीम इंडिया की जो महिला क्रिकेट टीम है। सभी क्रिकेट टीम यहाँ पर महिला की पूरी खिलाड़ी यहाँ पर सभी ग्राउंड के ओर घूम करके चारों तरफ घूम करके यहाँ पे सभी फैंस का धन्यवाद कर दिया है, क्योंकि आज के इस दिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फैंस जो हैं वो पहुँचे हुए हैं बांग्लादेश इस मुकाबले को देखने के लिए, और ज़्यादा हर जगह पर आप जानते हैं टीम इंडिया के ही फैंस नज़र आते हैं। और मंच तैयार हो चुका है दोस्तों,
मंच तैयार हो चुका है। कुछ ही मिनटों में आपको यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे ट्रॉफी जो है वो दे दी गई है टीम इंडिया को। लगातार आपको दोस्तों बताते चलें, इंडिया 8 विकेट से इस मुकाबले को जीत चुकी है। प्रिडिक्शन जिसने भी किया था कि 10 ओवर से पहले पहले मुकाबला जो है वो जीत जाएगी, तो वो प्रिडिक्शन बिल्कुल सही नज़र आया है। 10 ओवर से पहले पहले ही यहाँ पर मुकाबला जो है वो जीत चुकी है टीम इंडिया। और आप सभी लोग एक बार जरूर से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम आपके लिए लेकर के आएंगे हर एक इंटरनेशनल मैच का लाइव स्कोर दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर। हर एक इंटरनेशनल मैच का लाइव स्कोर जो है वो दोस्तों लेकर के आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, 3000 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं हम, तो 3000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी जल्दी से करवा दीजिए। जिस भी मित्र ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 3 सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ बाकी रह जाएंगे। जी हाँ, कमेंट में आपने जय हिंद लिखा होना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया जो है एशिया कप लेकर के आ रही है वुमेन टीम। मैं विराट कोहली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रोहित शर्मा और केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है वुमेन क्रिकेट की। यहाँ पर दोस्तों वुमेन क्रिकेट ने जो आज के दिन करके दिखाया है, तो मेन्स टीम इस साल नहीं करके दिखा पाई है, एशिया कप फाइनल तक भी नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन यहाँ पर जो है इस मुकाबले को जीत लिया है। चमचमाती ही ट्रॉफी दोस्तों हरमनप्रीत कौर दी जाएगी, हरमनप्रीत कौर अपने हाथों से यहाँ पर खिलाड़ियों की ओर लेके जाते हुए नजर आएंगे चमचमाती हुई एशिया कप ट्रॉफी। मंच तैयार कर दिया गया है, तो आप लोगों से दोस्तों मिलेंगे अगले मुकाबले में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा और लाइक जरूर से करते जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा। जिस भी मित्र ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले मुकाबले में। जय हिंद एंड वंदे मातरम। लाइक सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर से अपना समर्थन दर्ज कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर देंगे कुछ ही मित्र और सब्सक्राइब कर देंगे तो 3000 सब्सक्राइबर जो हैं वो हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो 3000 सब्सक्राइबर आप जल्दी जल्दी से कर दीजिए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। आप सभी लोगों का धन्यवाद।
तो जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस मुकाबले में आपको बताते चलें कि यहाँ पर श्रीलंका ने पहले टॉस जीत करके पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था, तो जवाब में दी हाँ दोस्तों। सबसे पहले श्रीलंका की टीम की बात करेंगे, यहाँ पर रन्स किस प्रकार से बने हैं और विकेट किस प्रकार से गए हैं श्रीलंका टीम के। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर श्रीलंकाई बल्लेबाजों की। यहाँ पर श्रीलंका की ओर से बल्लेबाजी के लिए आए दोनों ओपनर से यहाँ पर 12 रन, 12 गेंदों में 6 रन और 4 गेंदों में 2 रन बना करके आउट हो जाएंगे और लगातार विकेट गिरते चले गए, और जिसके जवाब में यहाँ पर 65 रन ही बना पाए। यहाँ पर श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में टोटल 9 विकेट खो करके 65 रन ही बना पाए दोस्तों। वहीं टीम इंडिया की गेंदबाजी की बात करेंगे, बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर रहा रेणुका सिंह ठाकुर का, जो कि आज के इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच भी रही गए हैं। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो स्मृति मंधाना को देना चाहिए था मैन ऑफ द मैच, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी के चलते यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को मैन ऑफ द मैच दिया गया है दोस्तों। मैन ऑफ द मैच यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर को दिया गया है, जिन्होंने 3 ओवर में 5 रन खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ, 3 विकेट अपने नाम किए हैं, 1 मिडन डाला है। सोच सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितनी बेहतरीन गेंदबाजी रही है 3 ओवर में दोस्तों, 3 विकेट और 1 मिडन ओवर, सिर्फ और सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं। वहीं दीप्ति शर्मा की बात करेंगे दोस्तों, दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए हैं। तो श्रीलंकाई बल्लेबाज, किसी भी बल्लेबाज के द्वारा यहाँ पर दीप्ति शर्मा की ओर गेंदबाजी में रन नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 रन ही खर्च किए हैं। 4 ओवर उन्होंने आज अपने पूरे डाले थे। राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करेंगे तो राजेश्वरी गायकवाड़ ने दोस्तों आज 16 रन दे करके 2 विकेट अपने नाम किए हैं, 2 विकेट अपने नाम किए हैं, अपने इस स्पेल में सिर्फ और सिर्फ 16 रन ही खर्च किए हैं। स्नेहा दोस्तों, यहाँ पर स्नेहा राणा की बात करेंगे, 4 ओवर उन्होंने भी अपने डाले, 13 रन खर्च करके 2 विकेट अपने नाम उन्होंने भी किया है। और यहाँ पर हेमलता की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर गेंदबाजी में हेमलता ने 3 ओवर में 8 रन खर्च किए हैं, सिर्फ और सिर्फ कोई विकेट अपने नाम नहीं किया है। शेफाली वर्मा ने 2 ओवर में यहाँ पर 16 रन खर्च किए हैं। तो श्रीलंकाई टीम का दोस्तों विकेटों की बात करेंगे, विकेट किस स्तर से गिरे हैं, कौन कौन से ओवर में गिरे हैं, कैसे विकेट। तो दोस्तों पहला विकेट यहां पर तीसरे ओवर में गिर गया, लगातार 8 रन के स्कोर पर यहां पर तीसरे ओवर में पहला विकेट गिर गया। और दूसरा विकेट दोस्तों यहां पर चौथे ओवर में गिर गया, लगातार 9 के स्कोर पर। और चौथे ओवर में दोस्तों तीसरा विकेट, चौथा विकेट, लगातार 3 विकेट दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया की हैट्रिक हुई, 2 रन आउट के चलते और 1 कैच के चलते यहाँ पर 3 विकेट लगातार टीम इंडिया को चौथे ओवर में मिले। छठवें ओवर में दोस्तों पांचवा विकेट गिरा श्रीलंका टीम का, और इसके बाद दोस्तों सातवें ओवर की आखिरी गेंद पर यहाँ पर छठवां विकेट गिर जाता है, 18 के स्कोर पर यहाँ पर छठवां विकेट श्रीलंका का गिर जाता है। तो रन कहाँ से बना पाती श्रीलंका, लगातार जो है वो विकेट गिरते रहे। सातवां विकेट दोस्तों यहाँ पर 25 के स्कोर पे गिर गया, 9वें ओवर की शुरुआत में ही तीसरी बॉल पर। और यहाँ पर आठवां विकेट 32 के स्कोर पर 12वें ओवर में गिर गया, और 9वां विकेट दोस्तों जो है 43 रन के स्कोर पर गिर गया 16वें ओवर में। तो टोटल यहाँ पर 20 ओवर में श्रीलंका की टीम 65 रन ही बना पाई बल्लेबाजी करते हुए, और 9 विकेट जो है वो गवा दिए। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे टीम इंडिया की ओर से ओपनर बैट्समैन आए, शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना यहाँ पर बैटिंग करने के लिए आए, और स्मृति मंधाना ने 25 गेंदों में 51 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, 200 के प्लस स्ट्राइक रेट से, जिसमें कि 3 छक्के उन्होंने लगाए और 4 चौके दोस्तों, 6 चौके उन्होंने लगाए। शेफाली वर्मा यहाँ पर 8 गेंदों में 25 रन बना करके आउट हो गई, और जैमी दोस्तों यहाँ पर 4 गेंदों में 2 रन बना करके आउट हो गई। हरमनप्रीत कौर ने 1 चौके की मदद से 14 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसके कि चलते यहाँ पर टीम इंडिया ने दोस्तों लगातार
नौवें ओवर में ही इस मुकाबले को चेज कर दिया है। 9 ओवर का ही खेल हो पाया और 71 रन बना दिए हैं और 8 विकेट से इस मुकाबले को टीम इंडिया ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबला दोस्तों वुमेन एशिया कप का यहां पर जीत चुकी है टीम इंडिया। स्कोर बोले प्लीज, तो यहां पर अश्विनी बालाजी पूछ रहे हैं कि स्कोर भैया हम बता चुके हैं आपको कि यहां पर स्कोर जो है कुछ इस प्रकार से रहा है। टीम इंडिया जीत चुकी है यहां पर 8 विकेट से, यहां पर जीत चुकी है। मैन ऑफ द मैच यहां पर रेणुका सिंह ठाकुर बन चुकी हैं, जिन्होंने कि 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 7 रन खर्च किए हैं और 3 विकेट अपने नाम किए हैं, एक मिड ओवर भी डाल दिया है। और यहीं पर मैन ऑफ द मैच रेणुका सिंह ठाकुर रही हैं। मोस्ट रन का जो अवार्ड है वो दिया गया है जेमी को, और ऑलराउंडर जो इस टूर्नामेंट का जो ऑलराउंडर का खिताब है वो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है दीप्ति शर्मा, यहाँ पर बेस्ट ऑलराउंडर सीरीज बनी है दोस्तों। और यहाँ पर चमचमाती हुई ट्रॉफी हरमनप्रीत कौर को दी गई है और यहाँ पर हरमनप्रीत कौर ने ले जा करके स्मृति मंधाना के हाथ में पकड़ा दी है दोस्तों। यहाँ पर सारे बल्लेबाजों ने खुशी का जश्न मनाया है और फुलझड़ी यहाँ पर उलझाड़ी गई हैं। तो इसी के चलते टीम इंडिया एशिया कप के इस फाइनल मुकाबले में दोस्तों जीत चुकी है। और मेंस जो नहीं कर पाए थे इस साल जो दोस्तों मेंस टीम नहीं कर पाई थी वो वुमेन टीम ने करके दिखाया है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये टीम इंडिया के जो मेंस खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत सीख वाली बात रहेगी कि यहाँ पर इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम ने जीत करके दिखाया है जो एशिया कप है। वर्ल्ड कप की बात होती है तो चलो वो इंटरनेशनल, वहाँ पर वर्ल्ड कप भयंकर भयंकर टीमें खेलती हैं, लेकिन आप जब ऐसे अपने एशिया कप से ही बाहर हो जाते हैं, फाइनल तक नहीं पहुँचते हैं, तो लगातार यहाँ पर जो इंडियन फैंस हैं उनको लगातार यहाँ पर बुरा जरूर से लगता है। क्योंकि कहा जाए तो धोनी की कप्तानी में आप फाइनल जीतते थे, कोहली की कप्तानी में आप फाइनल तक पहुंचते थे और यहां पर फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं रोहित शर्मा की कप्तानी में। तो अभी तक जो रोहित शर्मा की कप्तानी रही है वो बिल्कुल फ्लॉप कप्तानी रही है। अगर यहां से रोहित शर्मा अभी जो T20 वर्ल्ड कप दोस्तों स्टार्ट होने वाला है 23 नवंबर को दोस्तों जो खेला